Assalamualaikum. लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि हलाल फूड सिंगापुर में अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि हलाल फूड बहुत आसानी से अवेलेबल है सिंगापुर में. मोस्ट ऑफ द चेंज सच एज पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, मेजर चेंज हलाल है. इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब भी आप किसी होटल में जाएँ तो वहाँ पर होटल के एंट्रेंस में लिखा हुआ है कि इट इज़ हलाल और नॉट. बट मैंने रात में पिज़्ज़ा हट खाया है यहाँ पे, सो आई एम यूज्ड टू अ पाकिस्तानी टेस्ट. मैंने पिज़्ज़ा हट दुबई में भी खाया है, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल. बट सिंगापुर का टेस्ट मज़ेदार नहीं है, ना ही मलेशिया में भी खाया, बट मलेशिया का भी मज़ेदार नहीं है. यहाँ के ना टेस्ट इन्होंने अपने कस्टम गेमें सेट, इनकी अपने लोकल जो यहाँ की पॉपुलेशन उनके टेस्ट को जहन में रखकर उन्होंने डिज़ाइन किया है. तो मैंने तो हवाएँ खाए थे रात में, फ्लेवर दैट वॉज द मोस्ट सिमिलर. फिर उनके यम यस, उनकी ड्रिंक सीन, दे वर क्वाइट डिफरेंट. सो हलाल था बट फाइनली पिज़्ज़ा हट. अच्छा, मगर उसके अलावा और भी चीज़ हैं यहाँ पे जहाँ से आप खा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पीछे येलो कलर का नज़र आ रहा होगा, अलमदीना वाला, अलमदीना रेस्टोरेंट. ये देखें, ये एक और शॉप है जो हलाल है, TLG है. और अब मैं आ रहा हूँ पोपाइज चिकन की तरफ, जो कि एक अल्टरनेटिव टू KFC, जिसका फूड एटलीस्ट बहुत मज़ेदार था अनलाइक KFC. यहाँ पे ये भी हलाल है, देखें. फिर ये और हलाल चेंज हैं, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे हलाल खाना अवेलेबल है. ये कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ, एक और ही एग्जांपल है. सिर्फ दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको मोटिवेशन मिले और डरे ना, बिकॉज मैं खुद बहुत डरा हुआ था कि हलाल खाना अवेलेबल होगा नहीं. ये देखें, ये डोमिनोज़ है, तो यहाँ पर भी हलाल है, तो मेजर चेंज हलाल हैं. तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट हलाल फूड, एंड हलाल फूड आसानी से यहाँ पर अवेलेबल है सिंगापुर मोस्ट ऑफ द चेंज में.